इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के कोटा में आरएसएस संचालक दीपक शाह पर हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटा के रामगंज मंडी इलाके में राम मंदिर के लिए चंदा जमा करने के दौरान दीपक पर फायरिंग हुई। फिलहाल इस हमले के बाद दीपक शाह की हालत सामान्य है। पुलिस ने हमले के बाद तीनों आरोपियों को झालावाड़ से गिरफ्तार किया है। वहीं आज रामगंज मंडी को बंद करने का ऐलान किया गया था, लेकिन उम्मीद अब ये जताई जा रही है कि गिरफ्तारी के बाद मंडी बंदी के ऐलान को टाल दिया जाएगा। फिलहाल रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए इंडिया टीवी की खास पेशकश फकीर आजम।